हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यूजीसी ने एक प्लान बनाया है जो कि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे को सही लगेगा। दे वांट टू मर्ज नीट जेई एंड इनटू सीयूईटी। तो ये बात जो है वो अच्छी नहीं है ज़्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि नीट जेई का अलग तरीके से प्रिपरेशन होता है और एग्ज़ाम का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। यूजीसी के चेयरपर्सन मिस्टर जगदीश कुमार का कहना है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ये कहा है कि इंस्टीड ऑफ कि आप चार सब्जेक्ट में अलग अलग एग्जाम में अपीयर हों, यानी कि जेई दे, नीट दे या सीयूईटी दे, क्यों ना एक ही एग्जाम वो कंडक्ट करवाएं जिसमें सारे बच्चे आपकी जो चॉइसेस हैं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, जैसे जेई वाले पीसीएम दें और नीट वाले पीसीबी दें, बाद में फिर वो अपने हायर एजुकेशन में जहाँ जाना चाहते हैं उधर वो जा सकते हैं। तो बच्चों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस प्रपोजल पे वर्क कर रही है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कॉमन बना के इंटीग्रेट करके सीयूईटी यूजी करके एग्जाम हो। और टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ये पता चला है कि एक टीम बनाई गई है जिसमें हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स की कमिटी में इस बात पर डिस्कशन होगा ताकि सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके एक फाइनल किसी नतीजे पर पहुँच सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगली बार से आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा सीयूईटी यूजी करके। प्रपोजल ये है कि जैसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे जो जेई देते हैं वो भी सीयूईटी दे रहे हैं और जो नीट देते हैं वो भी सीयूईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि बच्चों को एक साथ मल्टीपल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो फेस करना पड़ता है, उस वजह से जो एनटीए को प्रॉब्लम भी हो जाती है डेट बनाने में कि कौन से डेट पर कौन सा एग्ज़ाम हो, काफ़ी सारा मैस भी क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, लगभग 43 लाख एस्पिरेंट्स हो जाते हैं इन टोटैलिटी। तो इस मैस को कम करने के लिए ऐसा किया जाना अभी प्रपोजल है, देखते हैं क्या होता है सीयूईटी यूजी करके, जिसमें 61 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। इनका ये भी कहना है कि देखो, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो एक दो दिन में नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा लंबा स्केड्यूल हो गया है, तो इससे एनटीए को भी इनकन्वीनियंस होती है। काफ़ी सारे सेंटर्स जो थे ना, जो पहले कह रहे थे कि हाँ वहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है, बाद में वो डिनाई कर गए कि वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो बहुत सारे इशूज़ हो गए हैं। जेई में कितना इशू हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के, नीट में भी इशूज़ हुए हैं, कभी स्टूडेंट के बदले कोई और बैठ जा रहा है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एनटीए भी इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा, तो मिस्टर जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरपर्सन हैं उन्होंने ये सारी बातें कही हैं ऑन इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम की, बच्चों की भी तकलीफ दूर होगी, सीयूईटी के लॉन्ग स्केड्यूल से भी बच्चे बचेंगे, और कई सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हो गए थे जेई में भी हुआ, नीट में भी हुआ, कई बच्चे गैजेट के साथ पकड़े गए, तो ये सारे इशूज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालाँकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस का एक अलग लेवल है, नीट का अलग लेवल है और सीयूईटी का अलग लेवल है। तो आप सब में से अगर मेरी बात से सहमत नहीं है कोई बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि सबको इस बात की जानकारी मिले। और बच्चों, चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ताकि आप अपडेटेड रह सको।